हमारे राज में रघुवर दास जो 5 साल तक गांव से लेकर शहर तक के लोगों को रुलाया है, और जिस तरीके से इस राज के अंदर गरीब किसान मजदूर आदिवासी दलित शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर यहाँ के अल्पसंख्यक साथियों की जाने ली गई, किस तरीके से गौ तस्करी के नाम पर यहाँ पर अल्पसंख्यक साथियों की जाने ली गई, किस तरीके से यहाँ किसान आत्महत्या किया, लोग भूख से मर गया, नौजवान बेरोजगार ट्रेन के सामने कूदने पर मरने पर मजबूर हो गया। आज निश्चित रूप से साथी, आज हमें ये निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अपने इस लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग कीजिए और ऐसे बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर हमारे बहु बेटियों को जलाया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं। और हमको पता चला है इधर जो यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी भी चक्कर लगा रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, ये वो लोग हैं भाजपा के लोग जो शादी कम करते हैं लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके बहु बेटियों का इज्जत लूटने का काम करते हैं। आज आप देखिए जाकर के यूपी में उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को अस्पताल में आराम फरमाया जा रहा है और पीड़िता को जेल में ठूस दिया जा रहा है। क्या आज हम लोग ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो बहु बेटियों की इज्जत लूटता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो महंगाई बढ़ाता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो हमें जात धर्म पर लड़वाता हो?